कावेरी, हौसला रखो बेटा। ये समय इस तरह अपने आप को डिप्रेशन में डालने का नहीं है। मैं समझती हूँ, जब रिश्ता बहुत गहरा होता है और उस रिश्ते में दरार आती है तो इंसान बहुत अकेला हो जाता है। प्रतीक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मामा? मैंने तो कभी उसे धोखा देने की कोशिश नहीं की। क्या कमी रह गई थी हमारे रिश्ते में? मैंने उससे टूट कर प्यार किया, क्या ये मेरी गलती थी? बेटा, तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने एक गलत आदमी पर विश्वास किया। ऐसे आदमी से प्यार किया जिसने अपने और अपनी फैमिली के अलावा कभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचा। नहीं मामा, प्रतीक ऐसा नहीं था। आज भी विश्वास करना मुश्किल है कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो सच था या झूठ। वो सच है कावेरी। बेटा, मैं तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहती थी, तुम्हें जानकर दुख होगा, लेकिन उस औरत से प्रतीक का रिश्ता आज से नहीं, कई सालों से है। क्या? ये सच है। बेटा, मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हारा और प्रतीक का रिश्ता टूटे, लेकिन जब प्रतीक ने ही रिश्ता तोड़ दिया है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें और वक्त चाहिए सोचने के लिए? मुझे कोई एतराज नहीं, मैं कोर्ट की अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देती हूँ। नहीं मामा, नहीं, चलिए कोर्ट चलिए। एक मिनट का भी बेटा, सिंदूर भर लो, कोर्ट में प्रेस वाले भी होंगे।